ट्रांजेक्शन कितना बेहतर तरीका से काम करता है। प्रग इंडस्ट्रीज, यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से एक अच्छा सा रैली देखने को मिला, कितना बेहतर तरीका से यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। इवन यहाँ पे हम प्रीमियम ग्रुप में भी ये अपडेट दिए थे, सुबह 8:06 पे बाई प्रग इंडस्ट्रीज एवं 425.20 पैसा, तो 425.20 पैसा के ऊपर अपना एंट्री बनाया। जहाँ से एंट्री बना था ठीक वहीं से देखिए वॉल्यूम है ना आया ना इंक्रीज हुआ एंड मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा। इवन यहाँ पे मेरा फर्स्ट टारगेट क्या है, 447.20 पैसा, तो 447.20 पैसा यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट है हम लोगों का, जहाँ पे मार्केट जा रहा आधा तक पहुँच चुका है। इवन यहाँ पे एकदम सिंपल सा सेटअप है, कोई ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा मुश्किल वाला चीज़ है, एकदम सिंपल तरीका से प्राइस एक्शन को हम लोग यूज़ किए हैं। एक रेसिस्टेंस लेवल था, जिस रेसिस्टेंस लेवल के नीचे ही ये ट्रेड कर रहा था, जब भी रेसिस्टेंस पे आता था गिर जाता था यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या आया, ब्रेकआउट। हम लोग फर्स्ट ब्रेकआउट को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट ब्रेकआउट पे हम लोग कभी भी एंट्री नहीं लेते, हम लोग इसको स्किप करते क्योंकि एक बार रिटेस्ट करने आता है। तो मार्केट जब नीचे गिरा, अब होता क्या है कि जब रेसिस्टेंस, ये जो रेसिस्टेंस था, ये जो रेसिस्टेंस था यहाँ पे वापस, जो रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो ये क्या बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है। तो जैसे ही रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ सपोर्ट का काम करने लगा, प्रीवियस हाई रेसिस्टेंस बन जाता है, प्रीवियस हाई से देखिए रिजेक्शन आना स्टार्ट हुआ। अब जैसे ही ये रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है अपना एंट्री कन्फर्म हो जाता है, यानी कि जैसे ही ये रेसिस्टेंस के ऊपर एंट्री कन्फर्म और मार्केट ऊपर जाने लगा।